आज बॉम्बे चटनी बनाएंगे। इसको झुमका भी कहते हैं। इसको बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, अदरक, मिर्ची, कड़ी पत्ता, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, एक आधा कप टमाटर काट के लिया है, सोया साग धो के काट के लिया है, नारियल थोड़ा ऐसा कूट के लिया है, पत्थर से कूटने से बहुत अच्छा होता है, हरी धनिया, एक छोटा कप में बेसन, इमली, अभी इमली को पानी में भिगा के ऐसा इसका पल्प निकाल दिया है। देखिए, नमक डाल रही हूँ इमली वाले पानी में, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, एक 4-5 इंच ग्रीन मिर्ची काट के जो डाल रही हूँ, टमाटर काट के रखा था ना वो टमाटर, आधा कप टमाटर, सोया साग जो काट के रखा था वो इसमें डाल रही हूँ, नारियल, हरी धनिया, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्ची ठीक है क्या देख लेंगे। अभी एक बर्तन में बेसन छोटा कप, 1 केवी जितना बेसन, थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करें। एक ही डायरेक्शन में मिक्स करने से गुठलियाँ नहीं बनता है। देखिए ऐसा इसका पेस्ट, देखिए ऐसा बेसन मिक्स करके लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, देखिए गुठली नहीं है, कितना अच्छा बन गया है ये। अब इसको चोंक लगाएंगे। कढ़ाई रखा है, कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ, 1-2-3 स्पून ऑयल, राई, हिंग, कड़ी पत्ता, अदरक, जो मिक्स करके रखा था ना वो इसमें कढ़ाई में डाल रही हूँ। देखिए ये महाराष्ट्रियन डिश है, थाली बंद करके बॉयल होने देंगे। ये चपाती में, मुद्दा में, चावल में बहुत अच्छा होता है। देखिए बॉयल हो रहा है, बेसन मिक्स करके रखा था ना वो भी ऐसा इसमें डाल के घुमाएंगे। देखिए कितना अच्छा झुमका रेडी हो रहा है। थाली बंद करके, लिड बंद करके 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए इस कंसिस्टेंसी तक बॉयल होने से ठीक है, फिर ठंडा होने के बाद भी थोड़ा गट हो जाता है। अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। देखिए झुमका रेडी।